तो आप देख सकते हैं दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बहुत ही जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। गाड़ी के आप देख सकते हैं पर कच्चे उड़ चुके हैं और आप देखिए ये गाड़ी एक साइड से बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। तीन लोग इस गाड़ी में बिताए जा रहे हैं, बैठे थे दो लोग घायल है जिन्हें अस्पताल में भेज दिया है। आप देखिए गाड़ी के पर कच्चे उड़ चुके हैं। टेम्पो ने बताया जा रहा है कि इस कार को ठोका और उसके बाद ये कार जो है आगे चल रही रोडवेज की बस में पीछे से घुस जाती है। भगवान का शुक्र रहा कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। आप देख सकते हैं दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त सड़क हादसा हुआ करनाल में। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को आप देखें, शेयर करें और आप जो है सावधानी से गाड़ी चलाएं क्योंकि लगातार सड़क हादसे होते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये कार हादसा होने के बाद जो है रोडवेज की बस में पीछे से घुस जाती है। दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। इस गाड़ी के आप देख सकते हैं पर खच्चे उड़ चुके हैं। गाड़ी के अंदर की हालत आप देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि इस गाड़ी की हादसे के वक्त स्पीड क्या रही होगी। आप देख सकते हैं अंदर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और आप देखिए आगे से गाड़ी की जो हालत है वो किस तरह से खस्ता हो चुकी है। बताया जाता है कि 100 की स्पीड पर एक गाड़ी चल रही थी, टेम्पो की वजह से हादसा हुआ और उसके बाद ये कार जो है इसके आगे चल रही वो सामने खड़ी रोडवेज की बस में पीछे से घुस जाती है। तीन लोग इस गाड़ी में सवार थे, दो लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में जरूर भेज दिया। हमारी आप सभी से अपील रहेगी गाड़ी को सावधानी से चलाएं क्योंकि लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और एक बार फिर से आप देख सकते हैं इस गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। 100 की स्पीड पर ये कार चल रही थी। अब गाय तो पता करना पड़ेगा इसको कार तो काफी डैमेज हो गई। हाँ जी, तो हॉस्पिटल पहुंचा दी। बिल्कुल आप देख सकते हैं एक हादसा हुआ था कार का और उसके बाद वो कार जो है रोडवेज की बस में पीछे से घुस जाती है। भगवान का शुक्र रहता है कि हादसे में किसी की जान नहीं जाती। दो लोगों को बताया जा रहा है कि हल्की फुल्की चोटें आई हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त सड़क हादसा दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे करनाल पर हुआ, जहां पर आप देख सकते हैं ये सरदार जी हैं जो गाड़ी चला रहे थे और साथ में दो लोग थे इनके। ऐसा बताया जाता है कि वो दोनों घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं टेम्पो की टक्कर के बाद ये कार जो है रोडवेज की बस में पीछे से घुस जाती है। बहुत ही जबरदस्त सड़क हादसा दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर हुआ और आप देख सकते हैं गाड़ी के परखच्चे यहाँ पर जरूर उड़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 112 की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हादसा हुआ था और उसके बाद जानकारी मिलने के तुरंत बाद 112 की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। 100 की स्पीड से कार चल रही थी वो हादसे का शिकार हो जाती है और उसके बाद रोडवेज की बस में पीछे से वो घुस जाती है। तो आप देख सकते हैं रोडवेज की ये वही बस है जिसके पीछे कार घुस जाती है और एक बहुत बड़ा हादसा दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर हो जाता है। भगवान का शुक्र रहा कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन बताया जा रहा है कि दो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। लगातार दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर हादसे होते रहते हैं।